In last video we have seen that different models of atomic structure. The first one was the Johnson atomic structure, and second one is the fourth model of atomic structure. And according to the fourth model of structure, we have seen that first is the Poincaré charge. There is a Poincaré charge center in an atom called nucleus, where almost all the mass of the atom resides. And second is the electron revolves around the nucleus in circular paths, in different circular paths. And third is the size of nucleus of an atom is very small as compared to the size of an atom. So these three things was there in the Rutherford's model. पहली बात क्या थी कि एटम के भीतर में जो है वो पॉइंटर चार्ज एक सेंटर होता है जिसको उसने न्यूक्लियस कहा, जहां पे एटम के संपूर्ण मास जो है वो अवस्थित होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग सर्कुलर पाथ में जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और थर्ड कहा कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के तुलना में बहुत ही छोटा होता है, मतलब 10^5 गुना छोटा होता है। अब आगे की जो बात है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन चेंज होता है हर पल, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। और इसके कारण अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमती होती है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो जितना एनर्जी रेडिएट करेगा तो सर्कुलर पाथ क्या होता जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे छोटे ऑर्बिट से होते होते जाकर के न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। सो दिस वाज अ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी एंड इट ग्रेजुअली इट विल फॉल इनटू या अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, सो द एटम विल बी अनस्टेबल। बट वी नो दैट एटम इज नॉट अनस्टेबल, बट एटम इज स्टेबल। तो इस सिद्धांत के अनुसार एटम क्या हो जाता है, अस्थायी, मतलब वो नष्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जाकर के न्यूक्लियस में मिल जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा, तो हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और एटम नष्ट हो जाएगा तो जिस एटम से मिलकर हमारे मेटल बना हुआ है तो मेटल भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड के मॉडल में कहीं कहीं कुछ कमी है, तो फिर उसको दूर करने के लिए बोर आए। तो देखेंगे हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। तो व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। इस मॉडल का कंसर्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एंड इट अटेन्स एन एक्सेलरेशन, यानी गेंस एक्सेलरेशन, जिसको क्या प्राप्त हो जाता है, एक्सेलरेशन। जो भी सर्कुलर पाथ मूव करेगा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन है तो चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज जब होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी। ये नियम है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी, तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब एनर्जी को रेडिएट करेगा देन इट्स ऑर्बिट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब कि जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करेगा ये छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर के समा जाएगा। That means it will fall into the nucleus. So the revolving electron will radiate energy and its orbit will become smaller and smaller, and
अल्टीमेटली और यू कैन से फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड इन दिस वे द एटम विल बी हाईली अनस्टेबल. बट वी नो दैट एटम इज स्टेबल बिकॉज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसीलिए दूसरे मॉडल की आवश्यकता हुई. तो दूसरा मॉडल जो है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल और फिर उसका जो ड्रॉबैक था जो उसमें कमियां थी. ड्रॉबैक यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड इट अटेन्स एन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी सो द वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन कुड रेडिएट एनर्जी एंड इट्स सर्कुलर पाथ बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इन द इनटू द न्यूक्लियस. So atom will be highly unstable, but we know that atom is quite stable because it can neither be created nor destroyed. तो ये कमी को दूर करने के लिए जो मॉडल आया था हमें Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. अब ये Bohr's model क्या कहता है? Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are मतलब एटम के अंदर कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स होते हैं. जिस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में रहते हैं जहां पर वो घूमते नहीं रहते हैं. अब दूसरी बात क्या होती है कि इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दे विल नॉट रेडिएट एनर्जी. व्हाई दे विल बी इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. मीन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स Do not radiate energy. Discrete orbit में electron जब move करता है तो energy को radiate नहीं करता है. And these orbits or cells are called energy levels. इस orbit को क्या बोलते हैं? Energy levels बोलते हैं. Discrete orbit जो है जिसमें electron move करने पर energy radiate नहीं करता है उसको हम बोलते हैं energy levels. And they are represented by letters K, L, M, N, capital letters, K, L, M, N, or by the numbers L, R, 1, 2, 3, 4. So this is the Bohr's model of atom. क्या है? इस अंदर special orbits होते हैं जिसको हम discrete orbits बोलते हैं. जिस orbit में ही electron उपस्थित होते हैं, हर जगह उपस्थित नहीं होते हैं. और इस discrete जो orbit है उसकी खासियत क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें जो इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल नॉट रेडिएट एनर्जी. और जब रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे तो उनका जो पाथ है वो छोटा नहीं होगा और फिर अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में जाकर के नहीं मिलेंगे और एटम क्या होगा? स्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल नहीं होगा. और दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स एंड इसको एनर्जी लेवल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं by the capital letter K, L, M, and N and or numbers by numbers also N जो है 1, 2, 3, 4. अब हम देखेंगे ये जो atom है उसके center में क्या है, positive charge है और फिर इसके चारों ओर क्या है, अलग अलग discrete orbits हैं जिसको हम energy levels बोलते हैं. उसका नाम हमने बता दिया K, L, M, N और क्या नहीं तो orbit number 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से उसको हम जान सकते हैं. उसको ऑर्बिट भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं. तो आप देखते हैं डेटा. अब ये जो सेल है और ये जो ऑर्बिट है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके रखने की जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है. मतलब अलग अलग जो सेल्स हैं जैसे कि ये सेल है, एन सेल है, एन सेल है, ए एल एम एन सेल
फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट और सेल इन एन ऑर्बिट और सेल सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला गिवन बाय द फॉर्मूला टू एन स्क्वायर स्क्वायर के द्वारा किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं उसको देगा टू एन स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं एक के बारे में से और के सेल और फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल और फर्स्ट ऑर्बिट एन विल बी वन एंड ऑफ एन इक्वल टू वन फर्स्ट सेल फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल टू वन सेकंड ऑर्बिट एन इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट एन इक्वल टू थ्री फोर्थ ऑर्बिट एन इक्वल टू फोर सो द वैल्यू ऑफ एन विल बी वन सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इन फर्स्ट ऑर्बिट दैट मीन्स इन के सेल दैट मीन्स के सेल इज इक्वल टू टू इंटू ट्वेल्व स्क्वायर टू इंटू वन स्क्वायर सो इट विल बिकम वन इंटू वन वन टू सो इन फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन कम रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आप देखेंगे इसी फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे दोस्तों और एन फॉर एन सेल और सेकेंड ऑर्बिट एन एन इज इक्वल टू टू तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल सेल ऑर्बिट इन सेकंड सेल दैट मीन्स इन एल सेल इन एल सेल इट विल बी टू इंटू टू स्क्वायर बिकॉज यू हैव वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू टू सो इट विल बी टू इंटू टू स्क्वायर सो टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट So the maximum number of electrons K cell K L cell can have is equal to 8 electrons. Now we will see about the third orbit for M cell. For M cell, our third orbit N is equal to 3. So maximum number of electrons, maximum number of electrons in M cell or third orbit will be 2 into 3 square. According to this formula, 12 square, third orbit is equal to 3. So it will become 2 into 3 square. So it will be 9 to 2, 18. So third orbit can have 18 electrons, maximum 18 electrons. थर्ड ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता। अब आगे एक और देखते हैं फॉर एम सेल और फोर्थ ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट एन इज इक्वल टू फोर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons will be 2 into 4 square that will be 32 4 into 4 16 into 2 32 electrons so the fourth orbit or n cell can have maximum 32 electrons to humne dekha first orbit mein zyada se zyada 2 electrons second mein 8 third mein 18 and fourth mein zyada se zyada 32 electrons aa sakte hain अब देखेंगे थ्री जो डिफरेंट हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसके जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सपोज किसी में अगर दो से अधिक इलेक्ट्रॉन है
तो वो दो इलेक्ट्रॉन तो के में रह सकता है, लेकिन उससे अधिक जो है वो कहाँ जाएगा, फिर एल में कितना रह सकता है वो मैंने दिखा दिया है, फिर एम में, फिर एन में। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, मतलब अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हमने तो देखा डिफरेंट सेल्स, उसको भी हम लोग देखेंगे फिगर के रूप में। दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दिस इज के सेल एंड दिस इज एल सेल, दिस इज एम सेल एंड दिस वन इज एन सेल। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आवर के सेल और फर्स्ट ऑर्बिट, के सेल और फर्स्ट ऑर्बिट। दिस इज आवर एल सेल, एल सेल और सेकेंड ऑर्बिट। दिस इज आवर एम सेल और थर्ड ऑर्बिट, एंड दिस इज आवर एन सेल और फोर्थ ऑर्बिट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड दिस आर द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, एंड द नेम ऑफ दिस एनर्जी लेवल्स आर के एल एम एन और नंबर वाइज 1, 2, 3, 4, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। सो वी विल सी द नाउस for filling these orbits or distribution of electrons in these orbits, मतलब electrons का distribution है वो इन orbits में कैसा होता है उसको हम लोग देखेंगे, इसको बोलेंगे distribution of electrons, मतलब electron का वितरण किस प्रकार से रहता है। Now distribution of electrons in different orbits, so the maximum number of electrons in an orbit or in a cell is given by the formula 2n square, which we have already discussed, and where n is the number of cells or energy level, and it is given by n equal to 1, 2, 3, and second is the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. मतलब outermost orbit में अधिक से अधिक कितने electrons रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। And third, the electrons are not accommodated in a cell unless the inner cell is completely filled, मतलब जब तक भीतर का cell completely भर नहीं जाता है तब तक दिया हुआ जो cell है वो भरेगा नहीं, या electron उसमें जाएगा नहीं। तो एक मतलब क्या होता है, that means cell will be filled by step wise, मतलब one by one, जैसे k भरा तो l भरेगा, फिर m भरेगा, ऐसा नहीं एल में भरना शुरू कर दे। तो क्या होता है जो सेल से जो भरते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेप वाइज, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, जब तक कि इनर सेल भर नहीं जाते हैं तब तक कोई सेल भर नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है। तो तीन बातें हो गई, एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट वाज गिवन बाय 2n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 टू 3 4 डिग्री से। सेकंड क्या है कि किसी भी सेल आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, मतलब सबसे बाहर कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। और थर्ड है कि एक कोई शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक एकोमोडेट नहीं करेगा, मतलब तो नहीं जाएगा जब तक इनर सेल्स भर नहीं जाते, भीतर वाले सेल भर नहीं जाते तब तक उसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और हम लोग देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग कैसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में is contains only one electron,
So this is the first electron of hydrogen. This is one electron of hydrogen in K cell. This is your K cell. For helium, helium atom number 2. So helium contains 2 electrons. So this is the nucleus and this is the first of it, that is K cell, and it contains 2 electrons. So now the K cell is filled because K cell can have maximum 2 electrons. K cell का अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 electrons. अब आ जाएगी पार्टी लिथियम की. तो लिथियम क्या होगा? फिर क्या होगा? हीलियम. अब लिथियम तो इसके ये न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 electrons और इसके पास कितने होते हैं? लिथियम इसका इसके पास होता है 3, इसके पास होता है 2, दो इसका होता है 3, इसके पास होता है 1. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में. 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में. तो इसमें तो ही रह सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं? 2. तो इसका जो एक बचा लिथियम का वो कहाँ जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में. फिर आगे बढ़ते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम. दिस इज योर न्यूक्लियस and this is first orbit 2 electron, second orbit 2 electron, and this is the beryllium 4. The fifth one is boron. So in boron this is your nucleus. This is first orbit 2 electron, in second orbit 1, 2 and 3 electron. This is your boron 5. After boron carbon, this is the nucleus and this is the first orbit 2 electron and second orbit 1, 2, 3 and 4. So this is carbon. Carbon number 6 means it has 6 electrons. 2 electrons in first orbit and 4 electrons in second orbit. Then after carbon oxygen, this is the nucleus. This is 2 electrons in first orbit and 1, 2, 3, 4, 5. This is your nitrogen 7. Now oxygen, this is the nucleus. This is your first orbit 2 electron, this is second electron. So it contains oxygen 8, atom number 8. It will have 8 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons here. So this is oxygen chlorine. Chlorine, this is nucleus. This is first orbit 2 electrons, second orbit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Because chlorine contains 9 electrons. Because it has electron for 9. So 2 electrons in first orbit and 7 electrons in second orbit. Now, after chlorine neon, this is the nucleus. It will contain 2 electrons here in first orbit and in second orbit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is neon, atom number 10. So now second orbit is also completely filled. Now second orbit में कितने हो सकते हैं? 8 electron. तो second orbit में 8 electron हो सकते हैं. तो 2 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया. तो कितना हो गया? 10. तो second orbit भी completely filled हो गया. अब कौन भरेगा? Third भरेगा. जैसे तो देखते हैं सूर्य हो. So this is your nucleus, first orbit 2 electron, second orbit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now third orbit 1 electron. 2, 8, 1. So this is your sodium. Sodium 11. Magnesium 2 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electron. Here 2 electron. This is magnesium. Now aluminium, this is the nucleus, first orbit 2 electrons, second orbit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now third orbit 1, 2, 3, because aluminium contains 13 electrons, that is 13. Now silicon, this is your nucleus, this is 2 electrons, and this is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एक नाफा प्रोटीन, थर्ड प्रोटीन सिलिकॉन प्रोटीन, तो इसकी 1, 2, 3 and 4, 2, 8, 4 नाफा फोरस जिसकी संतुलित है फर्स्ट प्रोटीन दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटीन एक इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थर्ड प्रोटीन is called its
मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का ये जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यही इसकी वैलेंसी कहलाती है। तो उसके बाद में हम वैलेंसी भी लिखेंगे, उन्हें हम लोग चार करेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक नंबर लिखेंगे, मास नंबर लिखेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे, प्रोटॉन की संख्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, फिर उसकी वैलेंसी लिखेंगे। तो घटा करके निकालते हैं, ये भी
सबसे पहले आ गए तो लिखेंगे ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ ए 16 ना ए 16 माइनस ए इक्वल टू ए ए इक्वल टू अलियर 6 सो वैलेंस विल बी ए माइनस 6 एंड विल बी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 बट वैलेंस विल बी 2 ना क्लोरीन क्लोरीन ए दिस इज आवर 9 19 9 19 minus 9 is equal to 10. This is your 9. This will become 2, 7, and the valency will be 8 minus 7. That's the difference between 1. So this is the valency of chlorine. Now next is our neon. After chlorine, it will be neon, then sodium, then magnesium, then aluminium, then silicon, then phosphorus, then sulfur, then chlorine, then argon. We will see the 18 elements. This is our neon, represented by Ne. And neon atomic number 10. And mass number is 20. This is 10 and this is your proton state 20 minus 10. 20 minus 10 equal to 10. This will be 10. This will become 2 and 8. In first orbit there will be 2 electrons and in second it will be 8 electrons. So here is completely filled our battery here. Because air can have maximum 8 electrons, so its valency will be 8 minus 8, that will be 0. So valency of neon is 0. Once again, neon, then sodium. Sodium, this is Na, and this one is 11, this is 23, and this one 11. 23 plus 11 is equal to 12. This is 11. If I number of electrons and protons are same, so this will become 2. Now A and 1 electron will go in M cell. Do aayega K mein, A aayega L mein, aur A aayega M mein. And this velocity is once again 1 because there is 1 electron in outermost orbit. देखो क्या? उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या आराम से कर सकते हो आपने किया है Mg 12 24 12 24 minus 12 equal to 12 that will be 12 then 2 8 2 is valency will be 2. Then aluminium, this is your aluminium. Aluminium, this is your Al, it will be 13, it will be 27, it will be 13, 27 minus 13 is equal to 14, and that will be 13, this will be 2, 8, 3, and the valency will be 7. What is 14? Silicon. It will be silicon, Si, 14, 28, 14, 28 plus 14, that will be 14, and 2, 8, and 4, it will be M-cell, that is 6, it will be 4, silicon, then phosphorus. So 2 valency here, 3 and 5.
Fluorinated sulfur, phosphorus, then sulfur, S, 16, 32, 16, 32 minus 16 equal to 16, this is the 16, up to 2, 8 and 6, so it will have 2 and 6. By subtracting 6 from 8, it will be 2 and due to minus 8 to 6, so it will be 6 also. Then chlorine, Cl, 17, 35 minus 17 is your 18, now 17, 2, 8 and 7, so here we will have 1, 17. And then argon, last one is the argon. So it will be AR, 18 and 40, 18, 40 minus 18, it will be 22, and here 18, it will be 2, 8 and 8. So that will be 8 will be cancelled, and it will be 0. It will be 0. जीरो तो आप इसको और से निकाल सकते हैं। ये था हमारा स्केमेटिक डायग्राम को हमने दिखाया और हमने एक जो है चार्ट के रूप में भी आपको हमने दिखाया। तो ये था आज का कुछ उसके बाद में थोड़ी थोड़ा सा और बचा हुआ इसके ऊपर में आज सब लोग हैं आज सब बात करें और हमने कुछ क्वेश्चन सब होंगे तो फिर ये जब खत्म हो जाएगा आपको वीडियो में पसंद आई ड्रॉबैक्स ऑफ डबल फोर एटॉमिक मॉडल एंड फोर एटॉमिक मॉडल एंड लॉ ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल और सो दीज आर द मेन फोकस इन दिस चैप्टर सी यू अगेन थैंक यू